वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जो रिव्यू करने जा रहा हूं वो है स्मार्ट सेंसर इंफ्रेट थर्मामीटर। ये देख लें, इंफ्रेट थर्मामीटर। ये आपने अक्सर यानी कि वीडियो में देखा होगा, जो आजकल वायरस चल रहा है ये कोरोना वायरस, तो इसके बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका टेस्ट जो है ना किस तरीके से करते हैं। ये है वो सेंसर, ठीक है जी। इससे किस तरीके से यानी कि इसको जो है ना देख रहे हैं कि वो बंदा शिकार है या कि नहीं। अच्छा, अक्सर आपने यानी कि यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होंगी कि इसके चाइना में जो कि है ना वो कोई बंदा आ रहा है, उसको ये सेंसर जो है ना लगा के टेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके से लगाते हैं तो टेस्ट करते हैं कि वो इसका शिकार है या कि नहीं। असल में इसकी वजह ये है कि ये एक जो है ना हीट टेम्परेचर जो है ना नोट करता है। ये लेज़र है, लेज़र गन है जो कि स्मार्ट सेंसर के नाम से है। ये इसका जो है ना एक पैक है, ये आप देख सकते हैं। इसके पीछे भी अच्छा, ये चलता कैसे है? इसके अंदर जो कि है ना ये यहाँ पे इसके जहाँ पे ट्रिगर है, यहाँ पे इसके डलते हैं दो सेल डलते हैं और इसको यूँ बंद करते हैं। अच्छा, इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ये तीन बटन है, इसका जो है ना रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं कि यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है, यहाँ पे जो कि है ना इसका एक पे लाइट है, एक पे लेज़र, जो लेज़र लाइट जो है ना वो ऑन होती है, तीसरा जो है ना इसका कूलिंग और जो कूलिंग वगैरह इसका सेंसर नापते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इसमें से जैसे इसका ट्रिगर आप ऑन करेंगे, ये देख लें आपके सामने जो कि है ना एक लेज़र लाइट जो है ना ऑन हो गई है, ये देख सकते हैं आप, ये लेज़र लाइट है। और इसका जो है ना ये जैसे ही लगती है तो फिर इसका जो है ना ये टेम्परेचर उस चीज़ का जितना भी होता है ना वो सामने आ जाता है। अभी जैसे कि इसका 26 आ रहा है, ये वह मोबाइल का टेम्परेचर है। अगर मैं आपको अपना यानी कि बताऊँ, ये आप देख सकते हैं, अब मेरा जो है ना टेम्परेचर आ रहा है 31 सेल्सियस, 31.1 आ रहा है। अभी मैं इसकी थोड़ी रिसेटिंग करता हूँ, ये फ़ारेनहाइट में आ गया। अब मैं आपको अपना दिखाता हूँ कि मेरा कितने फ़ारेनहाइट पे है। अभी मेरी आ रही है 88.0 आ रहा है फ़ारेनहाइट, ठीक है। नॉर्मल जो इंसान का बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6। अगर इससे अबव होता है तो वो शक के घेरे में आना शुरू हो जाता है। अच्छा, कोरोना वायरस की कुछ अलामत है जैसे नज़ला, ज़ुकाम हो जाता है, खांसी होती है, या टेम्परेचर जो है ना उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके ये यानी कि कोरोना वायरस का शिकार होने वाले जितने भी बंदे हैं उनका जो क्या है ना तकरीबन टेम्परेचर जो होता है ना वो ओवर होता है। और इसी तरीके से अगर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चाइना में जो है ना इस तरीके से सेंसर लगा के वो चेक कर रहे होते हैं कि क्या इसका यानी कि टेम्परेचर वगैरह है, वो टेम्परेचर जो कि है ना वो नोट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी मैं इधर अपने ये मेरा फ्रिज है, बस फ्रिज का जो कि है ना मैं ज़रा आपको रिव्यू दिखाता हूँ कि इसका इसकी कूलिंग कितनी है, ठीक है। अभी आपके सामने ये मैंने ये खोल रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं इसका टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, ये देख लें -14.8 आ रहा है। अभी यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा ठंड है इससे टेम्परेचर जो है ना वो मेजर करते हैं। अब यहाँ पे नीचे का टेम्परेचर -11 है, ये इसका आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप हीट नापना चाह रहे हैं तो मैं ये यहाँ पे अपना ये चूल्हा ऑन करता हूँ, ये देख लें ये ऑन कर लिया मैंने। अब इस पे जो है ना मैं लेज़र छोड़ूंगा,
ये देख लें, 171 आ रहा है। ये होता है जो आजकल जो है ना एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो है ना इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिर्फ जो है ना वहाँ से इस तरीके से हीट टेम्परेचर जो है ना नोट करते हैं। हीट जो के है ना वो इस तरीके से नोट होती है, और उसको यानी कि अगर अगर वो नए इंसान के नॉर्मल टेम्परेचर से अगर ज़्यादा हो तो वो जो के है ना इस तरीके से इस चीज़ से जो है ना वो डिटेक्ट कर रहे हैं। नॉर्मल से नॉर्मल इंसान के टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो तो फिर जो है ना ये आता है। अच्छा मैं इसके आपको प्राइस वगैरह बता देता हूँ। स्मार्ट सेंसर A20 इन्फ्रेट 2300 का आ रहा है भाई, इतना महंगा कोई भी नहीं है। कोई भी बंदा ख़रीद के अपने घर में रख सकता है, जिससे ना सिर्फ आजकल ये जो वायरस है इसका यानी कि बार बार जो कि है ना थर्मामीटर रख के उसका टेम्परेचर चेक करने से बेहतर है, और ऐसे पेशेंट्स के पास नज़दीक ना जाना पड़े। इस सेंसर का मतलब सिर्फ ये है कि उसके ज़्यादा करीब ना जाना पड़े। तो कैसा लगा रिव्यू आपको? आप भी ट्राई करें, लें और देखें। शुक्रिया।